हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई एंड आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस 2021। ये वाला टाइम होता है जब बहुत फ्लावर्स खिलते हैं, और क्रिजेंथेमम्स तो कोई भी गार्डन कंप्लीट नहीं है अगर क्रिजेंथेमम्स नहीं है। तो क्रिजेंथेमम्स की आज मैं, इनको मम्स भी कहते हैं, और कई कलर्स में आते हैं ये, और छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, कई कलर के फ्लावर्स आते हैं, येलो, पिंक, रेड, पर्पल, कई कलर्स हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि मैं कैसे इसकी केयर करती हूँ, ताकि यही प्लांट कुछ इसी पॉट में, कुछ इसको मल्टीप्लाई करके, कैसे ईयर आफ्टर ईयर इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। और ये वाला पौधा मेरे ख्याल में 4-5 साल पुराना है मेरा, और ये इसी पॉट में नहीं रहता। स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको सेव करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, और कैसे फुल ब्लूम्स आप ले सकते हैं ईयर आफ्टर ईयर फ्रॉम क्रिजेंथेमम फ्लावर्स। तो शुरू करते हैं कुछ पॉइंट्स, सिंपल पॉइंट्स में। इसका पहला पॉइंट है कि इसका ग्रोइंग टाइम होता है जब आप इसको कटिंग से लगाते हैं। प्लांट सेव जो आपका सेव्ड है लास्ट ईयर का, उसका ग्रोइंग टाइम है सितंबर अक्टूबर, और उसके लिए छोटी छोटी कटिंग लगाते हैं पॉट्स में, और फिर उसको ट्रांसप्लांट करते हैं बिगर पॉट्स में। साइज पॉट के धीरे धीरे करके बढ़ाते जाते के लिए सिंपल छोटी छोटी पौध बनाना, सैपलिंग्स बनानी पड़ती हैं, और बहुत इजीली बन जाती हैं। इसके जो टिप्स होते हैं, जिससे ये दिखाती हूँ, इतने छोटे छोटे भी अगर आप काट के लगा देंगे टिप्स, तो ये ग्रो कर जाते हैं, इनमें रूटिंग हो जाती है। और जब रूटिंग करें तो उसकी पॉटिंग सॉइल बहुत डिफरेंट होती है, जो परमानेंट फ्लावर के पॉट के लिए जो पॉटिंग सॉइल लेंगे उसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं होता, उसमें खाली कोकोपीट और 50% गार्डन सॉइल, बस वही लेते हैं। और इसके लिए जब ट्रांसप्लांट करते हैं, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं पौधे, एटलीस्ट 4-5 इंच के, जब ट्रांसप्लांट करते हैं, उसकी पॉटिंग सॉइल में लेती हूँ 1/4 सैंड, 1/4 कोकोपीट, 1/4 वर्मी कंपोस्ट और 1/4 गार्डन सॉइल। इसके अलावा नीम खली, बोन मील, फिस्टफुल और फंगीसाइड। ये पॉटिंग सॉइल बना के, वेल ड्रेनिंग सॉइल बना के, इसको अलग अलग कंटेनर्स में शिफ्ट करते हैं कलर के हिसाब से। कई बार मल्टी कलर भी लगा सकते हैं, अलग अलग कलर्स। मैंने ये रेक्टेंगुलर पॉट में लगाया हुआ था, और कई पौध लगाई हैं इसमें, तो आप भी कई पौध लगा सकते हैं, ताकि आपका बुशी प्लांट बने। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि इसको कटिंग जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसको आप ट्रांसप्लांटेड जो पॉट है उसको धीरे धीरे करके सन में लेके आएंगे, क्योंकि ये प्लांट सन लविंग प्लांट है। जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं समर विंटर्स के, सबको सन चाहिए ज्यादातर। तो अगर सन अच्छे से मिले तो प्लांट बहुत अच्छा करते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही प्लांट करीब 5-6 इंच का हो जाता है ट्रांसप्लांट करने के बाद, और अच्छे से जड़ पकड़ जाता है और ग्रोथ करने लगता है, तो इसकी पिंचिंग करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से ये प्लांट इतना हैवी हुआ है, देखिए कितना डेंस हो गया है, क्योंकि इसकी बहुत पिंचिंग हो चुकी है। पिंचिंग करने से क्या होता है, इसकी ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं, और जितनी ब्रांचेस होंगी उतने फ्लावर्स आएंगे, हर ब्रांच के एंड में फ्लावर आते हैं। तो बहुत सारी पिंचिंग करने के बाद, जब बहुत सारी ब्रांचेस आ गए धीरे धीरे करके, फिर इसकी फर्टिलाइजिंग शेड्यूल शुरू होता है। ये हाई फीडर होता है, क्योंकि इसमें बहुत इंटेंस फ्लावरिंग होती है। देखिए कितने से छोटे से पौधे में इतने ढेरों फूल आए हुए, और ढेरों कलियां भी दिख रही हैं अभी तो। और इसमें 2 फ्लैश ऑफ फ्लावर्स आएंगे, एक अभी आएंगे, फिर इनके बाद डेड हेडिंग करने के बाद 1 फरवरी में दोबारा एक बार आएगा। तो कोशिश करूँ, इतनी बढ़िया फ्लावरिंग नहीं होती है सेकेंड टाइम, मगर जितनी फर्स्ट टाइम होती है, मगर फ्लावर्स आ जाते हैं अगर आप ठीक से इसकी केयर करें। तो फर्टिलाइज करने का क्या तरीका है, लिक्विड फर्टिलाइजर जो मैं डालती हूँ, उसमें मेन होता है मस्टर्ड केक। उसके साथ बेशक आप थोड़ा सा काउडंग मेन्योर डाल लें, या वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके उसको थोड़ा फर्मेंट करके फिर डालते हैं। उसका लिंक मैं डाल देती हूँ, अगर वो फर्टिलाइजर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, वो सब विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। और इसको आप फर्टिलाइज करते रहिए शुरू में, हर हफ्ते या 15 दिन में या 10 दिन में, और जब बडिंग शुरू होती है तब इसकी
फर्टिलाइजिंग जारी रखिए, हर 5-7 दिन में या हर 4-5 दिन में वो लिक्विड फर्टिलाइजर, जो लिक्विड फर्टिलाइजर आप बनाते हैं वो कुछ दिन चल जाता है, फ्लावरिंग शुरू हो जाए उसके बाद आप बेशक थोड़े दिन रुक सकते हैं इसको फर्टिलाइज करने से, और जब बड्स आ जाए तब कभी मत भूलें फर्टिलाइज करते रहें उसको, ताकि फ्लावर्स अच्छे से ब्लूम करें और बड्स खूब अच्छी खिलें। जब ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए और बड्स आनी शुरू हो जाए तब ये हैवी होने लगता है, तब इसकी स्टेकिंग बहुत ज़रूरी है, इसमें स्टेक्स लगा के ये लकड़ी के सपोर्ट लगा के बांधना पड़ता है, नहीं तो इतनी सारी फ्लावरिंग ये प्लांट सपोर्ट करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है और फ्लावर्स थोड़ी टहनियाँ गिरती हैं। ये स्टेकिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाटरिंग शेड्यूल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है वाटरिंग, इसमें मॉइस्ट रखना चाहिए इसको, ऐसा ना हो कि इसमें बड्स आ जाए आप फ्लावर इसमें वाटर करना भूल जाएं, बहुत ज़रूरी है कि आप इसको वाटरिंग करते रहें। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जब ये फ्लावर खिल जाएं, स्प्रिंट हो जाएं, तब आप इनको डेड हेड कर सकते हैं, डेड हेड मतलब इनको सबको हटा देंगे, जब सबको हटा देंगे और सारे में फ्लावरिंग हो चुकी होगी तब ये एक बार हो सकता है, जनरली फरवरी में दोबारा इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, थोड़ी होती है, इतनी इंटेंस नहीं होती है, मगर थोड़ा रेडी कर सकते हैं प्लांट के लिए, और डेड हेड करने के बाद इसको दोबारा आप फर्टिलाइज कर सकते हैं। अब अगर फरवरी में फर्टिलाइज हो गया और फ्लावर्स आ गए, उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ से पूरा काट देना होगा, नीचे से पूरी ट्रिमिंग कर देनी होगी, क्योंकि नीचे से इसमें रनर प्लांट्स निकलते रहेंगे और वो प्लांट इसी में छोड़ देंगे, और ऊपर वाला बेशक आप कटिंग लगा के कहीं लगा सकते हैं अपने गार्डन में, ताकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिजर्व रहे, और जो ये रहेगा इसके अंदर रनर प्लांट वो मल्टीप्लाई होता रहेगा और वो ग्रोथ करता रहेगा, उसको आप स्टोर कर सकते हैं गर्मियों में, थोड़ा शेड पानी डालते रहिए और उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने की गर्मियों में ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये क्रिसेंथेमम्स का वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।